गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ये देखिए, मैं मॉर्निंग वॉक जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, बस ये रेडी हो रहे हैं। सुबह के बज रहा है 6। चलिए मैं अपने जूते पहन लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। जब हम लोग मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे तो देखिए सूरज भगवान भी निकल चुके हैं। कितना सुंदर दृश्य है। अब मैं घर आ चुकी हूँ, झाड़ू पोछा मैंने लगा लिया है। जो थोड़े बहुत कपड़े हैं उसे मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि मेरे घर के बाहर धूप 12 बजे तक ही रहती है। सुबह धो लेती हूँ तो कपड़े मेरे अच्छी तरह से सूख जाते हैं। उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट वगैरह नहाने के बाद ही बनाती हूँ। अब कपड़े मैं बाहर सुखा लेती हूँ। इस डोरी पर मैं सारे कपड़े डाल दूंगी। ये देखिए, सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर बहुत अच्छी धूप आती है। इसके बाद मैं नहाने चली जाऊंगी। नहाने के बाद पूजा वगैरह मैं कर लूंगी, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अब मैं पूजा कर लेती हूँ। ये वीडियो सैटरडे का है, डेट हो गया 26 फरवरी का है ये वीडियो। आज मेरे हस्बैंड मछली ले आए थे सुबह सुबह ही। आज ब्रेकफास्ट में मछली चावल ही बनाएंगे। आज हम दोनों मिलकर मछली बनाएंगे। ये देखिए, मेरे हस्बैंड मछली को फ्राई कर रहे हैं। मछली को अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे। मछली ब्राउन हो चुका है, अब इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। जब तक मैं इधर मसाले रेडी कर लेती हूँ, जब तक वो उधर सारे मछली को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 2 लहसुन लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज और ये सरसों मछली के अनुसार, और ये 4-5 मिर्च, हरी मिर्च और गोलकी जीरा भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये छोटा सा अदरक भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। ये सारे मसाले का मैं पेस्ट बना लूँगी। हल्का सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे। पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे। इस छोटे चम्मच से 3 चम्मच हल्दी लेंगे और 2 चम्मच लाल मिर्च लेंगे और 2 चम्मच गरम मसाला भी ले लेंगे छोटे चम्मच से। और मछली मसाला भी मैं इसमें ऐड कर ली हूँ। और 2 टमाटर भी मैं कट करके यहाँ पर रख ली हूँ। और 1 मीडियम साइज का प्याज भी मैंने कट कर लिया है और धनिया भी कट करके यहाँ पर रख दिए हैं। अब इधर देखिए, मछली फ्राई हो चुका है। अब मैं उसी तेल में जीरा भी इसमें डाल दूंगी। 1 सूखा मिर्च इसमें ऐड कर दिए हैं। अब देखिए, मैं इसमें अब प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं। टमाटर और मसाले साथ में अच्छी तरह से भूंज लेंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ दे, जब तक मसाले को हम लोग भूंजते रहेंगे। मसाला बनके तैयार हो चुका है, अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी और मसाले को अच्छे तरह से मिला लेते हैं।
अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं। अब इसमें मछली ऐड कर देते हैं। इसे 10 मिनट तक खोलने देंगे। जैसा आप ग्रेवी चाहते हैं वैसा इसको रख सकते हैं। हम लोग तो इसे चावल और रोटी दोनों के साथ खाएंगे, तो हम लोग हल्का ग्रेवी रहने देंगे। ये देखिए बनके मछली तैयार हो चुका है। चलिए अब हम लोग खा लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।